ये आज लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में ये सूचना मिली थी कि मिस्टर उमेश पाल, जो कि सुलेम सराय थाना दोमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ। कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको 2 गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है, और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से 1 गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है, वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसके भी इंजरी है, तो वो अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हम लोग ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ से निकले थे उमेश पाल? कहीं से अपने घर पे पहुंचे थे। अभी परिवार से बात करके और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है कितने हमला? अभी एक बार पहले परिवार से बात करके सीसीटीवी फुटेजेस हम एक बार पूरी तरह से एनालाइज कर लें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को देख के फिर हम आपको एग्जैक्ट नंबर। अभी परिजन जो हैं वो अभी बना रहे हैं, उनके परिवार वालों के संग अभी एफआईआर वो लोग दर्ज कर रहे हैं, तो अभी दर्ज, अभी जब एफआईआर लिख लेते हैं तो लिख के तहरीर हमें देंगे तो आपको और फर्दर डिटेल बताएंगे। कितने लोग मौजूद थे? अभी मैं आपसे ये बात बताया कि अभी एग्जैक्टली इस समय कहना संभव नहीं है। सीसीटीवी फुटेज अभी वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी मैं जाके वहाँ पे हटने के लिए एक शॉर्ट वेपन है और बम का इस्तेमाल किया गया है। सर, घर के बाहर हुई है या घर के भीतर? घर के ठीक बाहर अटैक किया गया है, जिसमें इन्होंने जस्ट एंट्री की थी घर में। बाकी अभी हम परिवार से फुटेज ले रहे हैं, क्योंकि परिवार में ताला लगा हुआ था अभी, तो जस्ट अभी उनके लोग गए हैं पुलिस की टीम के साथ।